So, hello everyone. So, DU has started the second phase registration and I hope you all have registered on the phase one. Okay, अगर आपने phase one का registration नहीं करा है तो इस video के description में I will give you the link and उधर से आप phase one का registration कर सकते हैं. तो जिन्होंने phase one का registration कर दिया था तो now we will proceed for the phase two registration. So, without wasting time, let's start video. ठीक है, और डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट. ओके, जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म भर दीजिए, बिकॉज क्या होता है, लास्ट के अंदर कभी साइट हैंग होने लगती है, ठीक है, क्रैश होने लगती है, तो कभी कभी क्या होता है, डिले हो जाता है इस वजह से. तो डोंट डिले. ओके, आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप डीयू की साइट पे जाएंगे इस तरीके से. उधर से आपने जो फर्स्ट फेज रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो अपनी पासवर्ड क्रिएट किया होगा, ठीक है, CUET एप्लीकेशन नंबर आप फिल करेंगे, फिर आप अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने उस टाइम पे बनाया होगा. फिर आफ्टर दैट यू विल प्रोसीड फॉर दी लॉगिन. जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा. तो इसके अंदर आप देख सकते हैं आपने फर्स्ट फेज का रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, ठीक है, कर चुके हैं. नाउ यू आर प्रोसीडिंग फॉर दी फेज टू रजिस्ट्रेशन. सो फॉर द फेज टू रजिस्ट्रेशन क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो इधर से आपको इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा. तो इधर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट आपको क्या दिखा रहा है, कि फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको सब्जेक्ट मैपिंग, देन प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, एंड देन प्रेफरेंस सिलेक्शन, एंड देन प्रीव्यू प्रेफरेंसेस. इधर से आप फॉर्म जो है बहुत ध्यान से भरना है, एंड इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, ओके, फॉर योर एडमिशन. तो डोंट स्किप फॉर द यू नो एनी मिनट ऑफ द वीडियो, ठीक है, वॉच टिल द एंड. तो इधर से सबसे पहले आप अपना देख सकते हैं जो आपने फर्स्ट फेज के अंदर अपने क्लास 12th के जो आपने मार्क्स अपलोड किए होंगे वो इस तरीके से आपको शो होंगे सारे. और अगर इसके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसी है, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू अपडेट और यू इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज एनी थिंग, देन यू कैन क्लिक ऑन दी अपडेट क्लास 12th डिटेल, अदरवाइज यू विल प्रोसीड फर्दर. जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको नीचे दिख जाएगा दैट मैप यूर CUET टेस्ट पेपर, ठीक है, दैट स्टडी एट क्लास 12th. आपको अपने CUET के जो आपने पेपर दिए होंगे उस टाइम पे, CUET एग्जाम के टाइम पे, तो आपको इधर से उनकी मैपिंग करानी है दैट दो सब्जेक्ट विच यू हैव स्टडीड इन द क्लास 12th. तो अगर जैसे कि मैं इधर जो आप फॉर्म देख पा रहे होंगे वो एक कॉमर्स स्टूडेंट का है और उसने ये कुछ सब्जेक्ट पढ़े थे, दैट इज इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पेंटिंग एंड होम साइंस. तो दीज आर द सब्जेक्ट, एंड जब इसने CUET का एग्ज़ाम दिया तो उसने इन सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था. तो अगर आपने वो सब्जेक्ट क्लास 12th के अंदर पढ़ रखे हैं, इफ़ यू हैव स्टडीड दो सब्जेक्ट, तो आप उसके अंदर सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे. तो देखिए किस तरीके से, तो इस तरीके से मैंने जब इसको फिलअप करा तो इंग्लिश क्लास 12th के अंदर आई हैव स्टडीड, तो आई हैव सेलेक्टेड द इंग्लिश कोर. हिंदी आई हैव स्टडीड, देन आई विल सेलेक्ट द हिंदी इलेक्टिव जो आपका क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट नेम होगा. फाइन आर्ट्स क्लास 12th के अंदर ही और शी हैज नॉट स्टडीड, सो यू विल सेलेक्ट नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट सब्जेक्ट. ओके, CUET में आपने एग्जाम तो दिया था उस सब्जेक्ट का, लेकिन क्लास 12th में नहीं पढ़ता, तो यू विल सेलेक्ट दैट द नॉट एप्लीकेबल. देन फॉर द हिस्ट्री, यस. देन होम साइंस, होम साइंस. मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन इज नॉट द सब्जेक्ट in class 12, so you will select the not applicable. And pol science, if you have studied, then you will select the pol science. If you are from the another stream, then you will select your as per the subject. Okay, then click on the blue icon, that is I declare that I have done the correct class 12 mapping with the CUET test paper, and I do hereby solemnly declare that all the information particular provided by me are the correct. ओके, और अगर इसके अंदर कुछ भी गलती होगी तो कॉलेज हैव द राइट टू यू नो कैंसल माय एडमिशन. तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इधर प्रोसीड का ऑप्शन दिख जाएगा. देखिए नीचे आपको इधर इन्होंने नोट भी दे रखा है कि मैपिंग ऑफ क्लास 12 सब्जेक्ट ऑफ CUET पेपर इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नॉट एप्लीकेबल. आपको नॉट एप्लीकेबल कब सेलेक्ट करना है, इफ CUET पेपर टेस्ट पेपर इज नॉट स्टडीड इन क्लास 12 सब्जेक्ट. ओके, इफ यू चेंज और अपडेट क्लास 12 सब्जेक्ट मैपिंग, यूर सेव्ड प्रेफरेंस डाटा विल बी रीसेट एंड यू विल हैव टू सेलेक्ट योर प्रेफरेंस अगेन. अगर आप क्लास 12 के सब्जेक्ट को
अगर आप अपडेट करते हैं तो उसी हिसाब से आपको जो आपका प्रेफरेंस होगा, जो आपने सेलेक्ट करी होगी उसी हिसाब से आपको दोबारा सेलेक्ट करना होगा। देन अगर आपने भर दिया है तो फिर आप क्या करेंगे, इधर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एक बार इस चीज़ को प्रीव्यू करेंगे कि आपने सही से भरा है, दैट इज़ इंग्लिश कोर, जो फाइन आर्ट्स था वो हमने नहीं पढ़ा था तो आई हैव सेलेक्टेड नॉट एप्लीकेबल। सिमिलरली फॉर द मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल एंड जनरल टेस्ट नॉट एप्लीकेबल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कब आपको नॉट एप्लीकेबल भरना है और कब आपको नहीं भरना। अगर आपको अपडेट करना है तो यू विल गो हेयर बाय क्लिकिंग दिस अपडेट मैपिंग बटन, अदरवाइज प्रोसीड फॉर द प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। नाउ यू विल एंटर इन द सेकेंड फेज, दैट इज द सेकेंड टैब, दैट इज द प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। इन द प्रोग्राम एलिजिबिलिटी यू विल सी द स्कोर ऑफ योर CUET पेपर, दैट इन द CUET पेपर हियर शी हैज स्कोर्ड, हियर शी हैज स्कोर्ड दिस मार्क्स, ओके दिस परसेंटाइल स्कोर इन हिंदी दिस, फाइन आर्ट्स, हिस्ट्री, होम साइंस, मास मीडिया, पॉलिटिकल टेस्ट एंड जनरल टेस्ट। तो इस तरीके से उसकी कुछ रिपोर्ट कार्ड रही होगी। देन आफ्टर दैट डोंट क्लिक ऑन दी प्रोसीड टू प्रेफरेंस सेलेक्शन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नीचे इसके नीचे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, सेकंड टैब में, तो इधर आपको दिख जाएगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से प्रोग्राम के लिए इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी दैट यू आर एलिजिबल। तो ये अबव, ऑन द अबव स्कोर, इधर से आप देख, इधर से ही और शी कैन सी दैट द अप्लाइड सोशियोलॉजी, अगर इसको परस्यू करना है तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि CUET एग्जाम के अंदर अपीयर होना चाहिए, एक लैंग्वेज होनी चाहिए दैट इज़ फ्रॉम लिस्ट ए एंड एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। तो चार सब्जेक्ट की रिक्वायर्ड है, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, तो एक लैंग्वेज जिसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स है हिंदी और इंग्लिश में से, तो ये सिलेक्ट हो गई है। एंड टू सब्जेक्ट्स होने चाहिए B1 से, तो B1 से दो सब्जेक्ट हो गए हैं, एंड B1 और B2 से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जो मैक्सिमम स्कोर वाला सब्जेक्ट होगा वो इधर सेलेक्ट हो गया, और इसका टोटल स्कोर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो अप्लाइड साइकोलॉजिकली अगर अप्लाई करना है तो इन स्कोर का क्या होगा, काउंट किया जाएगा। ऐसी अरेबिक अगर करनी है, बीए ऑनर्स अरेबिक करनी है, लैंग्वेज करनी है, तो इस तरीके से कुछ उसका क्राइटेरिया रहेगा। ऐसी बंगाली करनी है तो इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया रहेगा। ऐसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट दिख जाएंगे, लेकिन जिनके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से रेड कलर से यू कैन सी दैट द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड। ओके, तो हम बीए इकोनॉमिक ऑनर्स को परस्यू नहीं कर सकते, और जिनके लिए आप एप्लीकेबल होते हैं और सेटिस्फाई करते हैं क्राइटेरिया को, फुलफिल करते हैं, तो उसके लिए आपको इधर आपके स्कोर दिख जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक बार आपने सारे सब्जेक्ट को प्रीव्यू कर लोगे, देन आफ्टर दैट प्रोसीड टू द प्रेफरेंस सिलेक्शन। देन व्हेन यू क्लिक ऑन द प्रेफरेंस सिलेक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। ओके, जैसे ही आप प्रेफरेंस सिलेक्शन का टैब ओपन करोगे तो इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि आप इधर से ये जो आपको दिख रहा है एडवांस फिल्टर, इधर इस आइकन पे क्लिक करके इस टैब में जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे, इधर से आपके सारे सब्जेक्ट्स होंगे या कॉलेजेस के नाम होंगे वो आपको इधर शो करेंगे। आप उनमें से सेलेक्ट करके अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे जो अवेलेबल प्रेफरेंसेस दिखा रहा है इसके अंदर आपको शो हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉलेज आपको फिल कर देने और मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आपको फिल कर देने। तो देखिए मैंने ऊपर बीए हिस्ट्री, यानी बीए हिस्ट्री ऑनर्स मैंने सर्च करा था, तो जितने भी कॉलेज के अंदर वो अवेलेबल है कोर्स, वो सारे आपको इस तरीके से इधर शो हो जाएंगे। दैट इज़ 45 कॉलेजेस के अंदर वो दिखा रहा है, तो 45 कॉलेजेस के अंदर वो शो हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, जिसको टॉप 1 पे रखना है, तो सबसे पहले ये तो आप एक ही बार क्लिक कर सकते, दैट इज एड टू टॉप, तो ये आपकी प्रेफरेंस फर्स्ट पे सेलेक्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट ये वाला ऑप्शन फिर आपका कट हो जाएगा। जब आप इस आर्यभट्टा कॉलेज से अगर बीए ऑनर्स को अप्लाई कर देते तो ये कट हो जाएगा। देन आपको क्या बच गया, ARST कॉलेज। देन आपको क्या करना है, या तो ऐड टू बॉटम, ठीक है, अदरवाइज ऐड टू प्रेफरेंस नंबर। आपको क्या करना है, आपने ऐड टू टॉप पे तो आपने क्लिक करके इसको टॉप पे क्लिक कर दिया, यानी प्रेफरेंस नंबर 1 आपकी ये हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है कि ऐड टू प्रेफरेंस नंबर, और उसके बाद टैब ओपन होएगा, आप उसके अंदर सेकंड प्रेफरेंस डालेंगे। देन अगर भगिनी निवेदिता कॉलेज पे नेक्स्ट टैब क्लिक करेंगे तो उधर आप थर्ड प्रेफरेंस डालेंगे।
तो इस तरीके से आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम भरेंगे और एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन द सेव चेंजेस। अगर आप इधर क्लिक नहीं करते हैं तो ये आपके प्रेफरेंस जो होंगे वो सेव नहीं होंगे। तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम फिल करना है जिसके अंदर आप एलिजिबल होते हैं। तो अभी मैंने 17 सेलेक्ट करे थे, तो इस तरीके से आपको शो होते रहेगा राइट हैंड साइड पे, दैट इज प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2। ओके, मैंने BA ऑनर्स फ्रेंच है ना, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज पे मैंने प्रेफरेंस नंबर 1 दिया था। देन ऑन द सेकंड प्रेफरेंस आई गिव टू द BA जर्मन। ओके, तो इस तरीके से आप क्लिक करेंगे एंड देन मैक्स टू मैक्स कॉलेज भरेंगे। जैसे इधर मैंने देन एट द लास्ट मैंने दयाल सिंह कॉलेज पे क्लिक करा, तो उसके अंदर जितने कोर्सेज ऑफर होते हैं और जिनके लिए मैं एलिजिबल होता हूँ तो उसके अंदर आप देख सकेंगे। तो इसे दैट इज BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स फिलोसफी। देन ऐड टू प्रेफरेंस नंबर पे क्लिक करके आप उसकी प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। फिर ऐसे दयाल सिंह कॉलेज के अंदर अगर फिलोसफी आपको करनी है तो उसका आप नेक्स्ट प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। और इस तरीके से आई हैव ट्राई टू फिल मैक्स टू मैक्स, दैट इज 80 प्रेफरेंसेस मैंने भरी थी। और उसके बाद आई क्लिक ऑन दी सेव चेंजेस। जैसे ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे ये सारे आपके प्रेफरेंसेस सेव हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप प्रीव्यू सेक्शन पे आगे प्रोसीड करेंगे तो इस तरीके से आपको प्रीव्यू दिख जाएगी कि आपने BA फ्रेंच ऑनर्स को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, कौन से कॉलेज से दी थी, ठीक है। देन सेकेंड जर्मन, इटालियन, स्पेनिश। देन पॉल साइंस मैंने आर्यभट्टा कॉलेज पे को मैंने फिफ्थ प्रेफरेंस पे रखा है। देन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम द ARSD कॉलेज को मैंने सिक्स प्रेफरेंस पे रखा है। एंड देन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम भगिनी निवेदिता कॉलेज को मैंने 7 प्रेफरेंस पे रखा है। तो सिमिलरली इन दिस वे यू विल सी योर द प्रेफरेंसेस की आई हैव सेलेक्टेड द 80 प्रेफरेंसेस। तो हेयर आई विल आई कैन सी द माय प्रेफरेंसेस। ओके, सो इस तरीके से जैसे ही आप अपनी सारी प्रेफरेंसेस देख लेंगे, अगर आपको अपडेट करना है, अभी इसमें और कुछ ऐड करना है तो आपको इधर अपडेट सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज सबमिट प्रेफरेंस सिलेक्शन। तो बिफोर टू सबमिट प्रेफरेंस सिलेक्शन आपको सबसे पहले देख लेना है कि आपने सारे कॉलेजेस ने अप्लाई कर दिया है मैक्स टू मैक्स सब्जेक्ट्स के अंदर जिसके अंदर आप एलिजिबल हो रहे हैं वो आपने भर दिया। अगर नहीं भरा तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन आप सारे के सारे कॉलेज को फिल कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आप एक दो कॉलेज में अप्लाई करेंगे, अगर आप उनके क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, अगर उतना मिनिमम स्कोर नहीं कर पाते तो क्या होगा आपके पास, अगर आपने बाकी कॉलेज की प्रेफरेंस सेलेक्ट नहीं कर रखी तो यू आर नॉट अलाउड टू एंटर और यू आर नॉट अलाउड टू टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज और इन अदर कॉलेजेस। सो फर्स्ट फिल मैक्स टू मैक्स, ओके, जितना आप भर सकते हैं, जितने के लिए आप एलिजिबल हैं, जितने कोर्सेज आप कर सकते हैं उतना आप सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। व्हेन आफ्टर ऑन द 10th अक्टूबर में भी जब आपका फर्स्ट फेज यानी थर्ड फेज का जब आपकी कट ऑफ निकलेगी CUET की, तब आप देखेंगे कि आपने जिन कॉलेज में भरा था आपकी आपके जो फर्स्ट कट ऑफ आई है, तो तब आप कहाँ लाइक करते हो वहाँ पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं फ्रॉम 28 सितंबर, ठीक है। आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी जिसके अंदर आपको DU में किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस आगे फर्दर होगा और ये सेकेंड फेज के रिगार्डिंग इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क देयर। तो ये सारी चीज़ें आप DU की साइट पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, उधर से आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। एंड जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इधर आपको आ जाएगा दैट इज प्रेफरेंस सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो जब भी आपका आ जाएगा तो इट मीन दैट यू हैव डन दी प्रेफरेंस सिलेक्शन। और जैसे ही आप भर देंगे तो आप अपना इधर से क्या कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोबारा स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो जो आपने लास्ट में भर रखा है वही आपको शो होते रहेगा, ठीक है। अगर आपको उसके अंदर कुछ ऐड ऑन करना है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको फेज 2 का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड फॉर मोर अपडेट्स क्लिक ऑन द बेल आइकन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।